हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आशा है कि आप ठीक होंगे। फ्रेंड, आज हम आपको बताने वाला हूँ गूगल पे में न्यू अकाउंट ओपन कैसे करें। तो फ्रेंड चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि फ्रेंड वीडियो के लास्ट तक देखें। तो फ्रेंड सबसे पहले अपने प्ले स्टोर को ओपन कर लेंगे। प्ले स्टोर के ओपन करने के बाद गूगल पे को डाउनलोड कर लेंगे। तो फ्रेंड मैं इसमें ऑलरेडी पहले से डाउनलोड करके रखे हैं, तो चलिए फ्रेंड मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन पे क्लिक करेंगे। ओपन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड कुछ इस प्रकार इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा, जहाँ पे आपको फ्रेंड 10 डिजिट मोबाइल नंबर इंटर करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए मैं फ्रेंड अपना मोबाइल नंबर इसमें इंटर कर देता हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद फ्रेंड नीचे में नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड आपका मोबाइल नंबर, नेम और ईमेल आईडी यहां पे शो हो जाएगा। नीचे में फ्रेंड नीचे लिखा रहेगा एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड इस पर 6 डिजिट का OTP आएगा, जो इसमें आपको वेरीफाई करना होगा। तो फ्रेंड मेरा OTP ऑटोमेटिक वेरीफाई हो गया है। तो फ्रेंड यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुल के आ जाएगा। नीचे लिखा रहेगा यूज गूगल पे पिन, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन रहेगा, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड आप कोई भी 4 डिजिट का पिन बना सकते। तो फ्रेंड मैं अपना पिन कुछ बना लेते हैं 4 डिजिट का। पिन डालने के बाद फ्रेंड कुछ इस प्रकार इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। फ्रेंड नीचे में 2 ऑप्शन और मिलेगा आपको, एक नो थैंक्स और दूसरा ऑप्शन मिलेगा यस टर्न ऑन, इस पर क्लिक करेंगे नो थैंक्स पे। नो थैंक्स पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड आपके सामने कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जहाँ पे नीचे पर पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा। तो इस पर क्लिक नहीं करेंगे, स्क्रीन पे कहीं दूसरे जगह पर टच करेंगे। फ्रेंड टच करने के बाद कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जहाँ पे ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा। अगर चाहते हो फ्रेंड मैं इसमें बैंक अकाउंट भी ऐड करें, तो ऊपर में लिखा रहेगा ऐड बैंक अकाउंट, फ्रेंड उस पर आप क्लिक कर सकते हो। तो फ्रेंड एक बार और स्क्रीन पे कहीं दूसरे जगह पर टच करेंगे। टच करने के बाद फ्रेंड ये गूगल पे अकाउंट मेरा पूरी तरह से सक्सेसफुल बन गया है। तो फ्रेंड इसके माध्यम से आप आसानी से अपना गूगल पे अकाउंट बना सकते हो। तो फ्रेंड अगर चाहते हो मैं किसी को पैसा ट्रांसफ़र करें, तो यहाँ पर नो पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे न्यू ग्रुप का ऑप्शन रहेगा और उसका नाम शो होने लगेगा, जो जो आपके गूगल पे अकाउंट से जुड़ा रहेगा। तो फ्रेंड आप चाहते हो सेंड करें, तो फ्रेंड उसके नाम पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फ्रेंड नीचे 3 ऑप्शन और मिलेगा, एक ऑप्शन मिलेगा पे, दूसरा ऑप्शन मिलेगा रिक्वेस्ट और तीसरा ऑप्शन मिलेगा मैसेज के। तो फ्रेंड तो यहाँ आप पे पे क्लिक करेंगे। पे पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड इसमें जितना पैसा आप उसे भेजना चाहते हो तो अमाउंट डाल देंगे। अमाउंट डालने के बाद फ्रेंड सही का आइकन होगा, इस पर क्लिक करके क्लिक कर सकते हो। चलिए फ्रेंड इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद फ्रेंड क्योंकि मेरा इसमें बैंक अकाउंट ऐड नहीं है, इसलिए सेंड नहीं हो पा रहा है। तो नीचे बोला है फ्रेंड बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए। तो फ्रेंड मैं आपको बैंक अकाउंट ऐड करने के अगले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर फ्रेंड आपको ये वीडियो पसंद आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि फ्रेंड मैं एप्लीकेशन से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।